सहारनपुर से आ रही खबर के साथ, चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक करने का मामला, मध्य प्रदेश के चार युवक गिरफ्तार किए गए हैं, थोड़ी देर में चारों को पेश किया जाएगा, चारों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग की वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की गई थी, हैक किया गया था और इस मामले में मध्य प्रदेश से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और थोड़ी ही देर में इन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी ब्राजी, मैं आपको बताऊं कि इन चार लोगों को आज बताया जा रहा है कि दिल्ली से गिरफ्तार करके लाया गया है। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि ये लोग नहीं कर रहे हैं, मीडिया से बहुत छुपा कर इनको रखा गया है। इसको किसी तरह से मीडिया के कैमरे के सामने बड़ी मुश्किल से ये एक व्यक्ति भी आया है। थोड़ी देर में इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से पता चलेगा रिमांड पर लिया जा रहा है इनको या क्या जेल भेजा जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मुकेश। तो देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर तो पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, उसके मुताबिक चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है और अब से कुछ देर बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। अमेठी के सिंगपुर सीएचसी में तैनात स्टाफ नर्स का घूस लेते वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल बच्चों के जन्म लेने के बाद स्टाफ नर्स रिश्वत ले रही थी। सीएमओ ने वीडियो के आधार पर आरोपी नर्स को निलंबित कर दिया है। सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई का आदेश भी दे दिया है। देखिए, दरअसल बच्चे के जन्म होने के बाद ये जो स्टाफ नर्स है वो रिश्वत ले रही थी, घूस ले रही थी और घूस लेते हुए जो वीडियो है नर्स का वो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो के बाद सवाल भी खड़े हुए थे और इसके बाद सीएमओ ने आरोपी नर्स को निलंबित कर दिया है और जांच के बाद कार्रवाई के आदेश भी सीएमओ की तरफ से दे दिए गए। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी हंगामा शुरू हो रहा है। आगरा के कहराई मोड़ इलाके में मित्रपुरम महादेव नगर में जनप्रतिनिधियों के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। स्थानीय लोगों ने विधायक और मंत्री जी एस धर्मेश, केंद्रीय मंत्री और सांसद एसपी सिंह बघेल और मेयर आगरा नवीन जैन के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं। साथ ही साल 2022 में चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान किया है। लोग बारिश में जलभराव, सीवर समस्या और टूटी सड़कों को लेकर कोई सुनवाई न होने से खासे नाराज हैं। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नितिन। नितिन, किस वजह से ये नाराजगी है और क्या कुछ कहना है जनता का? देखिए, लगातार वहाँ वाटर लॉगिंग बनी हुई है, तमाम तरह के विषयों को लेकर मित्रपुरम महादेव नगर में लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं और जिसमें एसपी सिंह बघेल हैं, सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका लापता होने का पोस्टर लगाया गया है। वहाँ से छावनी से जो विधायक हैं डीएस धर्मेश, उनका लापता होने का पोस्टर लगाया गया है। आगरा मेयर का पोस्टर लगाया गया है। तो कुल मिला के 2022 से पहले जिस तरह से लोगों का कहना है कि लगातार उनके यहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है, सीवर का पानी अंदर घुस रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और लगातार कोई जनसुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए चुनाव बहिष्कार की बात कही है। इसके साथ ही लाभ होने का पोस्टर तीन जनप्रतिनिधियों का लगा है, जिससे समझा जा सकता है कि लोगों में जबरदस्त नाराजगी और ये नाराजगी कहीं 2022 विधानसभा चुनाव में भारी न पड़ जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब जैसे जैसे नजदीक सामने चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का जो रोष है वो और भी ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है और लोगों का आरोप यह है कि जनप्रतिनिधि उनके लापता हैं। तमाम समस्याओं के बावजूद भी जनप्रतिनिधि उनके बीच में नहीं आते। और 16 अगस्त से साल क्लास 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। 50% छात्रों की उपस्थिति के आधार पर स्कूल खोले जाएंगे। 16 अगस्त से ही डिग्री कॉलेज भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम का कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश है। गाइडलाइन पालन कराने के लिए सभी डीएम को जारी कर दिए गए हैं निर्देश। तो देखिए, अब छठी से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे। 16 अगस्त से डिग्री कॉलेज खोलने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि तमाम जिला अधिकारियों को डिप्टी सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाए, स्कूल कॉलेजेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, साथ ही साथ सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग भी अनिवार्य है। अभी हमने छठे से लेकर और 12वें तक का माध्यमिक शिक्षा में 50% की जो उपस्थिति है उसके आधार पर विद्यालयों को खोलने का दिया है और हमारा प्रति ये है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका सारे विद्यालय अच्छा सा पालन करें, बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी चिकित्सीय व्यवस्था का व्यवस्था उपलब्ध रहे, इसके लिए जिलाधिकारियों को भी कहा गया है और साथ में
जो डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं वो भी ऑफलाइन उनकी टीचिंग का काम 16 तारीख से प्रारंभ होगा। खबर दिल्ली से, विरोधियों के बीच भी कायम है सीएम योगी का जलवा। विपक्षी दलों के नेताओं को सीएम योगी का काम भाया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए तारीफ की है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सराहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में यूपी सरकार की तारीफ हुई है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने योगी सरकार की तारीफ की है। कमेटी की रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की गई है। तो देखिए, अब विपक्षी दलों में भी सीएम योगी के काम का जो जलवा है वो देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के काम का बोलबाला है। कांग्रेस नेता आनंद के की अध्यक्षता वाली समिति में इस बात की तारीफ की गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने की सराहना यूपी सरकार की गई है। संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस सांसद, जिनकी अध्यक्षता में इस कमेटी ने सराहा है सीएम योगी के काम को। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा बोले हैं, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसे रोकने में, उससे निपटने के लिए यूपी सरकार का काम वाकई में सराहनीय है। तो संसदीय समिति में की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ। और अटल पेंशन योजना को लेकर उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। अटल पेंशन योजना के मामले में देश में यूपी को पहला स्थान मिला है। यूपी सरकार की उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार सम्मानित करेगी यूपी सरकार को। 16 अगस्त को यूपी सरकार को पुरस्कृत करेगी केंद्र सरकार। तो अटल पेंशन योजना में अव्वल आया है उत्तर प्रदेश। पूरे देश में नंबर 1 स्थान मिला है यूपी को, यानी पहला स्थान मिला है यूपी को। और 16 अगस्त को केंद्र सरकार की तरफ से यूपी सरकार को पुरस्कृत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और सभी सियासी दल अपने संगठन को मांझने में जुटे हुए हैं। भारतीय समाज पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, आपको बता दें कि जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो या बसपा हो या फिर छोटे छोटे दल, तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के सियासी दिग्गज कानपुर पहुंचे और चुनावी घोषणा पत्र को लेकर एक बड़ी बैठक की। दरअसल कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव से पहले घोषणा पत्र समिति के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करना चाहती है। कोशिश ये है कि समाज के अलग अलग तबकों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी राय जानी जाए और उनकी समस्याओं को समझकर उसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाए, जिससे ये संदेश जनता में जाए कि इस बार कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़कर विपक्षियों को मात देने की जुगत में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव करीब आने के चलते सभी सियासी दल अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता आज कानपुर में हैं और चुनावी घोषणा पत्र, जो सियासी दलों के लिए काफ़ी अहम कहा जाता है, उस पर मंथन करने आए हैं। सलमान खुर्शीद हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, आप आज बड़ा डेलीगेशन लेकर के कानपुर पहुँचे हैं, मंथन कर रहे हैं, क्या खोजने की और क्या बात करने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है, सभी राजनीतिक दल कुछ ना कुछ अपने विचारधारा को लेकर और अपने सामाजिक जो भी उनके अनुभव होते हैं उनको लेकर एक प्रस्तुति करते हैं हर चुनाव के समय, कि हम व्यवस्था को कैसे बदलेंगे और हम आपको कैसी व्यवस्था देंगे। ये परंपरागत रूप से चला आ रहा है, कभी कामयाब होता है, कभी विफल रह जाता है। हमारे नेताओं ने, प्रियंका जी ने एक निर्णय लिया कि अब की जो घोषणा पत्र बने उसमें आम जनता को, साधारण हमारे जो देशवासी हैं, हमारे प्रांत के लोग हैं, उनको वो देखकर लगे कि ये तो हमारी बात कही गई है, लेकिन उनकी बात क्या है संक्षिप्त में, और जो विशेष उन्होंने जिस बात पे ध्यान चाहा है उसको हम तो तभी अंकित कर पाएंगे जब हम सीधी सीधी उनसे वार्ता इसके संबंध में करेंगे। वैसे वार्ताएं होती रहती हैं, तो इसलिए हमारे सारे साथी यहाँ पर, विवेक बंसल जी हैं, सुप्रिया जी हैं, हमारे भाई दुबे जी हैं, अमिताभ दुबे जी हैं, हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। पुनिया जी भी आने वाले हैं, हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं लोगों से बहुत
इत्मीनान से बैठकर बात करने के लिए। सलमान खुर्शीद सियासी दिग्गज हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और अपने अंदाज में सभी सवालों का जवाब देते हैं। कांग्रेस अपना एजेंडा तय करने में जुटी हुई है, रणनीति बन गई है। लोगों से पूछा जा रहा है कि उनकी समस्या क्या है और चुनावी घोषणा पत्र में उसको शामिल करके ये एहसास कराया जाएगा कि आपकी समस्या हमारी है और हमारी सरकार अगर आती है तो उस समस्याओं का निदान भी हम ही देंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। जालौन में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। स्वास्थ्य विभाग के चेतावनी पत्र ने जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। पत्र में पोर्टल पर फर्जी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड चढ़ाने की बात कही गई। स्वास्थ्य विभाग ने सीएमओ जालौन और नोडल अधिकारी को पत्र भेजा है। एटा थाना क्षेत्र के पिंडारी स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। तो स्वास्थ्य विभाग के चेतावनी पत्र ने पोल खोलकर रख दी है जिला प्रशासन की। पत्र में पोर्टल पर फर्जी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड चढ़ाने की बात की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सीएमओ जालौन और नोडल अधिकारी को पत्र भेजा है। तो ये अहम खबर, एट थाना क्षेत्र के पिंडारी स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है जहां जिला प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है क्योंकि पोर्टल पर फर्जी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड चढ़ाने की बात कही गई है। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे हो रहे आम्रपाली के प्रोजेक्ट के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कोर्ट की तरफ से रिसीवर नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील ने बताया कि 9538 फ्लैट ऐसे हैं जिसमें खरीदारों ने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं कराया है। इसके लिए रिसीवर के ऑफिस और प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे एनबीसीसी ने कई बार इन लोगों को नोटिस भी भेजे लेकिन उन्होंने अपना फ्लैट लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। रिसीवर की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि सभी बुकिंग बोगस या बेनामी हो सकती है। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि इन सभी फ्लैट खरीदारों को रिसीवर की वेबसाइट पर अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद इन फ्लैट्स की नीलामी शुरू की जाए ताकि प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाया जा सके। और नोएडा से अगली खबर, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का काम किया है। साइबर सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो नोएडा की नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसमें एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। कासगंज की, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जिले में तिरंगा यात्रा निकालने पर पूरी तरीके से रोक है। 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा में एक युवक की गोली लगने से मौत हुई थी। ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो 2018 की घटना एक बार फिर से ना दोहराई जा सके, इस वजह से अभी से ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। फ्लैग मार्च सड़कों पर किया जा रहा है और पूरी तरीके से तिरंगा यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में लखीमपुर खीरी जिले के 2 आदिवासी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लाल किला के कार्यक्रम में दोनों की पीएम से मुलाकात भी होगी। सुदामा राणा, जो कि थारू जनजाति से आती हैं, और रामकुमार, इन दोनों को दिल्ली में लाल किला में रहेंगे मौजूद। सुदामा राणा 350 महिलाओं के साथ स्वयं सहायता ग्रुप चलाती हैं जिसमें जुट के तमाम सामग्री निर्मित होती है। वहीं रामकुमार जनजाति बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। दोनों के कार्य और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को अपने जनजाति क्षेत्र में ले जाने को लेकर पीएम प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करेंगे। वहीं अगर बात करें तो इस संबोधन के दौरान 2 विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश से मौजूद रहेंगे, जो कि लखीमपुर खीरी के जनपद से आते हैं और थारू जनजाति के हैं। इनमें अगर बात करें तो सुदामा राणा है और रामकुमार राणा है, दोनों हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल ये लाल किला में जाएंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन सुनेंगे, प्रधानमंत्री से बातचीत भी करेंगे। सुदामा जी, किस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से आपको आमंत्रित मिला है और अपने क्षेत्र में आपने क्या क्या कार्य किए हैं जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री भी आपसे मिलने जा रहे हैं? मैं लखीमपुर खीरी से आई हूं और मेरा समूह का नाम है लीला पढ़ना समूह सायका मेरा समूह का नाम है। और 350 महिला मेरे समूह में जुड़ी हुई हैं और उसकी मैं जुट की वो बनाती हूं, सूत
सूत बना के और टोपी बनाती हूँ, बैग बनाती हूँ, चप्पल बनाती हूँ। और मेरे प्रधानमंत्री योजना मुझे आवास मिली है। और